हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रेड रोल बनाएंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ अदरक और 2 कटे हुए प्याज डालकर मिला लेंगे। प्याज हल्के भुन चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तब इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डाल लेंगे। ध्यान रहे आलू का एक भी बड़ा पीस नहीं रहना चाहिए। हम इसे अच्छे से मैश करके डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जो भी आलू के बड़े पीसेस हैं, उन्हें हम कलची से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि फिलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिला लेंगे। अगर आपके पास समय कम हो तो आप इसे फ्राई ना करके एक बड़े बाउल में सारी सामग्रियों को मिलाकर इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। जब आलू फ्राई हो जाए तब इसमें कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और मिला लेंगे। फिलिंग बन चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग तो तैयार हो चुकी है, अब ब्रेड रोल बना लेते हैं। इसके लिए एक ब्रेड लेंगे और उसके चारों साइड्स को काट लेंगे। इसी तरीके से बाकी ब्रेड्स के साइड्स को भी काट लेंगे। ब्रेड तैयार है। अब एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा पानी लेंगे। अब हम ब्रेड को पानी में भिगोएंगे। इसे बस भिगोकर जल्दी बाहर निकाल लेंगे। अब इसे अच्छे से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे।
ब्रेड के बीच में आलू की फिलिंग को भर लेंगे। और इस तरीके से ब्रेड को फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे हम इसे टाइट हाथों से फोल्ड करते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अगर फिलिंग बाहर निकले तो आप उसे अंगूठे से दबाते हुए और फोल्ड करते हुए रोल बना सकते हैं। हमने यहाँ इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरीके से बाकी ब्रेड रोल को भी तैयार कर लेंगे। रोल सारे रेडी हैं। ध्यान रहे ब्रेड को निचोड़ते समय इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए, वरना ब्रेड रोल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुकी है, हमने पहले ही तेल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो आप इसे किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में फ्राई करने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड रोल बनकर तैयार है, आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मॉनसून का सीजन चल रहा है तो आप इसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।